जी नमस्कार। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम समीर है, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ, कर्नूल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तुम्हारा सर? और मेरा नाम हसैन है। अच्छा, कैसे पता लगा यहाँ? ये यूट्यूब के द्वारा मैं सर्च करता करता देखा है, नेशनल बैम्बू मिशन के थ्रू। अच्छा, तो आपका सबसे अच्छा लगा इंटरव्यू, तो इस वजह से देख के हम पर्सनली विजिट करके आपसे बात करके यहाँ तक पहुँचे। तो क्या लगा यहाँ के? सर बेहतर है, आपकी राय मशवरा हम भी सुनने के लिए इतने दूर से आए हैं, तो अपने लिए हम सहमत हैं आपकी बात से। अच्छा, तो तुम्हें क्या लग रहा है? तो आप जो सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आप, हर कोई भी आ रहा है आपको मेंटेनेंस पूछ रहा है, तो आप उसको पहले ये बता रहे कि ज़ीरो मेंटेनेंस वाला काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब जैसा तुमने अभी कहा, तुम ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, तुम इसको फार्मिंग करने का नहीं, पहले तुम इसको फॉरेस्ट बनाओ। ये बहुत अच्छा लगा हमें कि जैसा कि तुम पहले फॉरेस्ट बनाओ, फिर उसके बाद देखेंगे जो आएगा वो तो आते ही रहेगा, जिसको जितना पानी ज़्यादा देंगे उतना आएगा। ये तो बड़ा बढ़िया लगा हमारे को, जैसा कि तुमने कहा पहले तुम ज़ीरो मेंटेनेंस पे काम करो, ऐसा नहीं कि तुम वो थोड़ा उसको बड़ा होने के बाद निकालो और कुछ मेंटेनेंस करो, तो ये फिर सरफुड़ी काम हो जाएगा। तो बेहतर है कि ज़ीरो मेंटेनेंस पे काम करो, लगाओ पानी जितना ज़्यादा हो उतना दो, फिर काटो फिर आएगा। अच्छा, ये पसंद आया हमारे। अच्छा सर, किसान के लिए इस फार्म के बारे में या बम्बू के बारे में क्या बताना चाह रहे? सर ये फार्म तो मैं कह नहीं सकता, इसको फॉरेस्ट ही कहूँगा। अच्छा, इतना घना जंगल बना हुआ है यहाँ पे, कहीं भी देखो बैम्बू के झाड़ पड़े हुए हैं, कहीं भी देखो बैम्बू बैम्बू बैम्बू, सिर्फ एक ही मोटो है इनका, बैम्बू। उसको काट के बेचो या फिर कॉन्ट्रैक्ट में बेचो या फिर उसको कुछ मल्टीपल आप आगे बना के कुछ प्रोडक्ट बना के बेचना है, वो अदर ऑप्शन है। पहले इनका मोटो है बैम्बू तैयार करना, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हर जगह बैम्बू तैयार हो ही रहा है। अच्छा, आपका क्या प्लानिंग है आगे? हम भी एक 20-25 acres तक का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, तो फार्मिंग पीरियड में मेरा भी 10-11 years का एक्सपीरियंस है, तो हम भी टाइड हो गए हैं लेबर के वजह से, तो हम भी थोड़ा आसान वे में जाना चाह रहे हैं, जीरो मेंटेनेंस के तरफ आपकी तरह, तो इसीलिए उतनी दूर से यहाँ तक आपके पास आना पड़ा। अच्छा सर, मैं राजशेखर पटेल, आपको धन्यवाद। थैंक यू।